दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, जैसा कि आप पहले से सोचते हैं कि जो कि YouTube पर जो वीडियो अपलोड की जाती है, जो कि चैनल पर अपलोड की जाती है, क्या वो शेयर की जा सकती है कि नहीं, और शेयर करें तो उसमें क्या रिस्पांस होगा और क्या उसमें मतलब कि बेनिफिट होगा क्या नहीं होगा, तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। हम अरुण पांडे और आप देख रहे हैं टेक्निकल अरुण पांडे। चलिए कुछ टेक्निकल की बातें सीखते हैं। हाँ दोस्तों, लेबर शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है, रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद और मेरे वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि अभी से लाइक कर रहेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बना रहेगा कि आप बिना कहे ही वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों अपने लेबर पर चलते हैं। जैसे कि आपको बताना है कि जो कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की जाती है उसको क्या शेयर की जा सकती है, उसमें आपका बेनिफिट होगा कि नहीं। तो हाँ दोस्तों ये सुन लीजिए, जैसे कि आप जानते हैं अगर आप शुरू में वीडियो जो कि अपलोड करते समय जो कि आपके चैनल पर कोई सब्सक्राइबर नहीं है, तो सब्सक्राइबर को लेकर तीन मंथ तक आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मतलब 3 महीने तक आपको लिमिट की गई है YouTube की तरफ से कि 3 महीने तक आप YouTube वीडियो को शेयर कर सकते हैं और उसमें से आप व्यू ला सकते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। 3 महीने तक आपकी लिमिट है और उसके बाद ये लिमिट फिर खत्म हो जाती है। 3 महीने के बाद खत्म होने के बाद आपको लिमिट मिलती है जब आपके 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं या 1,000 कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब कि मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको जैसे कि 10 वीडियो अपलोड किए उसको मतलब 3-4 वीडियो वहां शेयर कर सकते हैं। मतलब ये लिमिट है और अपने आप भी समझ लीजिए आपको लिमिट दी गई है बहुत आराम से। मतलब काफी लोग करते हैं कि मतलब जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल पर सब अपने आप ही वहां पर शेयर करते रहते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और जैसे कि बहुत सारे सोशल नेटवर्क है वहां पर शेयर कर देते हैं, जिससे उनका मतलब कि बेनिफिट तो होता है, व्यू आते हैं, लेकिन ये नहीं जाते व्यू अभी आ रहा है, लेकिन बाद में जब मोनेटाइजेशन ऑन होगा तो क्या होगा, मोनेटाइजेशन ऑन होते समय आपका जब वीडियो चेक किया जाएगा तो आपको वहां पर देखी जाएगी रैंकिंग किस कहां से आई है आपकी। अगर जैसे कि रैंकिंग आपका देखा जाएगा सोशल नेटवर्क पर ये लोग शेयर करके वहां से रैंकिंग बढ़ाए तो आपका वहां पर मोनेटाइजेशन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप पहले 3 महीने तक अपने वीडियो को शेयर करें, मतलब कि वो भी लिमिट में शेयर करें, जैसे कि 1-2 वीडियो का शेयर करते रहें, मतलब जो अच्छा रहे, जो मतलब आप जानते हो कि वीडियो बहुत अच्छा चल जाएगा, जो आप बहुत ही गंभीरता के साथ कह रहे हो कि ये बहुत अच्छा चलेगा, तो उसको आप शेयर कर दीजिए। हर सोशल नेटवर्क पर आप जब शेयर करेंगे तो आपको इसे मतलब कि यूट्यूब की तरफ से सर्च में आता रहेगा, आपका जो अच्छा वीडियो रहता है जिसे कि बहुत जल्दी चलने लगता है तो यूट्यूब में वैसे ही चलता रहेगा, वो और शेयर कर देंगे तो और जल्दी चलने लगेगा और मतलब उसकी रैंकिंग बढ़ जाएगी, तो आपका इसमें कोई भी घाटा नहीं रहेगा। तो काफी लोग जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आए हैं, जैसे काफी लोग कह रहे हैं कि चाहे जितने वीडियो अपलोड करो तो उसको शेयर करते रहो, लेकिन उसमें देखिए बहुत ही वहां पर मोनेटाइजेशन में दिक्कत आ सकती है। अगर आप सोचते हो कि हमको मोनेटाइजेशन नहीं करवाना है यूट्यूब की तरफ से, आप चाहे फिर चाहे जितने शेयर करते रहिए, आपका कोई फिर वहां का कोई घाटा नहीं होगा, आपको मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करवाना है तो आप चाहे जितने शेयर करते रहिए, लेकिन मोनेटाइजेशन ऑन करवाना है तो आपको शेयर नहीं करना पड़ेगा, शुरू में 3 महीने शेयर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जब 10,000 सब्सक्राइबर या 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद, मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद आप शेयर दो की 10 वीडियो करिए तो उसमें 3-4 वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उसके बाद नहीं शेयर कर सकते हैं। तो ये नियम बहुत ही कठोरता के साथ है और यूट्यूब क्रिएटर जो कि आप वहां पर ट्विटर में जाकर उसको फॉलो कर लीजिए तो आपको ऐसे ही न्यूज मिलते रहेंगे जो कि वो यूट्यूब क्रिएटर की तरफ से आपको आते रहते हैं अपडेट की, कौन सा मतलब कि आपको कौन कौन शेयर करना चाहिए, ऐसा कि अपडेट नहीं आया कि आप कोई भी ना शेयर करें, लेकिन लिमिट में शेयर करें, जो कि लिमिट वहां पर बताई गई है कैसे लिमिट में शेयर करना है। लेकिन काफी लोग सोचते हैं कि पूरा शेयर करते रहें और यूट्यूब क्रिएटर को समझ नहीं पाते हैं और पूरा शेयर कर देते हैं वीडियो को, उनका जो कि बेनिफिट होने के बजाय नीचे चला जाता है उनका वीडियो का रैंकिंग और आपके एनालिटिक्स को फिर घाटा पहुंचा देता है, क्योंकि जो YT स्टूडियो और एनालिटिक्स को बहुत ही गंभीरता के साथ अब की बार अपडेट किया 2019 में। इस अपडेट के कारण काफी लोगों को बहुत ही झटका लगा है, जबकि बहुत ज्यादा झटका नए यूट्यूबर को लगा है, क्योंकि उसमें बहुत सी कमियां आ चुकी हैं और जो कि बहुत तेजी के साथ इस 2018 के लास्ट तक बहुत ज्यादा चैनल बन चुके हैं यूट्यूब क्रिएटर पर, और उसी के साथ इनने गंभीर मतलब प्रोडक्शन लगा दिया है और प्रोडक्शन के साथ काफी कमियों को वहां पर दर्शाया है, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पर हो जाने के कारण क्रिएटर तो उसमें कमी आ जाती है, उनको चेक करने में बहुत ही वहां मेहनत लगता है, इसलिए यहां पर
YouTube क्रिएटर ने काफी अपडेट निकाले हैं जिससे उनको सरलता मिल जाए और उनसे सरलता मिलेगी, आपका चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइजेशन में आ जाए। जैसे कि काफी लोग का चैनल 6 मंथ तक रिव्यू में चल रहा है और अभी तक उनको मोनेटाइजेशन नहीं मिला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए YouTube क्रिएटर ने एक नया अपडेट लॉन्च किया जो कि एनालिटिक्स के महत्वपूर्ण से संबंधित है। और यहाँ एनालिटिक्स में आपको बताया जाएगा कितने सब्सक्राइबर कहाँ से घट रहे हैं और किस दिन घट रहे हैं, और मतलब कि किस कमी कारण घट रहे हैं, आपको वहाँ पर ईमेल भी आते रहेंगे। तो ऐसी कमियां हैं वहाँ पर, और कमियां ये हैं तो उसमें कुछ फायदा भी आपका भी है। तो कृपया यहाँ रूल पढ़कर ही आप अपने YouTube वीडियो को और YouTube चैनल से छेड़खानी नहीं करें, नहीं तो आप ऐसे भेजते चले जाएंगे। आपको व्यू तो जरूर मिलेगा शुरुआती में, अगर आपके वीडियो कोई देखेगा तो आपके जरूर व्यू तो मिलेगा, लेकिन आपको बाद में वहां पर मुश्किलें खड़ी कर देगा। इसलिए ये सब रूल्स पढ़कर ही और उसको ध्यान में रखकर ही अपने वीडियो और चैनल के साथ मस्ती करें। तो इसी को बताना दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी थी। कल मैंने एक वीडियो देखा बहुत तेजी से वायरल हो रही है, चाहे जितने मतलब कि चाहे जितने वीडियो शेयर करते रहो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए मैं सोचा कि बता दूं, ऐसी मतलब कि ऐसी जानकारी कोई जल्दी देता नहीं है और आपको बहुत ही समझाने वाली जानकारी थी। अगर आप समझ गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही टेक्निकल से टेक्निकल न्यूज आपके इस वीडियो पर आते रहे और आपके इस चैनल पर आते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए दृश्य में आपको एक नई न्यूज देने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। देखिए दोस्तों, जो हमारे बगल में वीडियोज हैं उसके नीचे देखिएगा आपको मेरे चैनल का लोगो दिखेगा, उस पर आप क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और नए नए वीडियोज अपडेट पाइए रोजाना।